हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मोर क्रिएटिव पर स्वागत है। आइए जानें, तीन बड़ी खबरें हैं आप सभी से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने देश से माफ़ी मांगी है, देश की जनता से पीएम नरेंद्र मोदी ने माफ़ी मांगी है। वहीं दूसरी जानकारी है, बिना राशन कार्ड धारकों को भी अब फ्री में मिलेगा राशन। शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी अब राशन दिया जाएगा। और विद्यार्थियों का नहीं होगा जनरल प्रमोशन। अभी खबरें आ रही थी कि मध्य प्रदेश में पहली से लेकर के 11वीं तक विद्यार्थियों का जनरल प्रमोशन होगा, लेकिन अब सरकार ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तो जानते हैं किन किन कक्षाओं का जनरल प्रमोशन होगा और किन कक्षाओं का जनरल प्रमोशन नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरें पूरी विस्तार से। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं सभी देशवासियों से क्षमा मांगना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़े हैं जिसकी वजह से आपको कई तरह की कठिनाइयां उठानी पड़ रही है। खास करके मेरे गरीब भाई बहनों को देखता हूं तो ज़रूर लगता है, उनको ऐसा लगता होगा कि हमने कैसा पीएम चुना है। मन की बात, उसमें मैं कई विषयों को लेकर के आता हूं, लेकिन आज देश और दुनिया के मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है। ऐसे में मैं और कुछ बातें करूँ वो उचित नहीं होगा, लेकिन सबसे पहले मैं सभी देशवासियों से क्षमा मांगता हूं। और मेरी आत्मा कहती है कि आप मुझे जरूर क्षमा करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़े हैं जिसकी वजह से आपको कई तरह की कठिनाइयां उठानी पड़ रही हैं। खास करके मेरे गरीब भाई बहनों को देखता हूं तो जरूर लगता है कि उनको लगता होगा कि ऐसा कैसा प्रधानमंत्री है, हमें इस मुसीबत में डाल दिया। ऐसे भी मैं विशेष रूप से क्षमा मांगता हूँ। हो सकता है बहुत से लोग मुझसे नाराज भी होंगे कि ऐसे कैसे सबको घर में बंद कर रहे हो। मैं आपकी दिक्कतें समझता हूँ, आपकी परेशानी भी समझता हूँ, लेकिन भारत जैसे 130 करोड़ की आबादी वाले देश को कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए ये कदम उठाए बिना कोई रास्ता नहीं था। इस लड़ाई में हमें जीतना है और इसीलिए ये कठोर कदम उठाने बहुत आवश्यक थे। किसी का मन नहीं करता है ऐसे कदमों के लिए, लेकिन दुनिया के हालात देखने के बाद लगता है कि यही एक रास्ता बचा है। आपको आपके परिवार को सुरक्षित रखना है। मैं फिर एक बार आपको जो भी असुविधा हुई है, कठिनाई हुई है, इसके लिए क्षमा मांगता हूँ। अगली जानकारी है, आगे बढ़ेगी मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं तथा 12वीं की परीक्षाएं, बाकी कक्षाओं में होगा जनरल प्रमोशन। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर मध्य प्रदेश बोर्ड की शैक्षणिक वर्ष 2019-20 की 10वीं एवं 12वीं की कक्षाओं की परीक्षाओं को छोड़कर शेष कक्षाओं में जनरल प्रमोशन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य में कोरोना वायरस की स्थिति तथा इसके मद्देनजर की जा रही व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं एवं 12वीं कक्षा की परीक्षाएँ आगे बढ़ाई जाएंगी तथा शेष कक्षाओं में जनरल प्रमोशन दिया जाएगा। इसका मतलब है कि पहली से लेकर के 8वीं, 9वीं और 11वीं कक्षाओं का जनरल प्रमोशन होगा, जिनकी परीक्षाएं हो गई है उनका भी जनरल प्रमोशन होगा, और जिनकी परीक्षाएं नहीं हुई है उनका भी जनरल प्रमोशन उनके अर्धवार्षिक तथा परफॉर्मेंस के हिसाब से कर दिया जाएगा। लेकिन 10वीं तथा 12वीं की परीक्षाएं होंगी और उनकी डेट सरकार तय करेगी। अगली जानकारी है, मध्य प्रदेश में अब राशन कार्ड के बिना भी गरीबों को मिलेगा राशन। मध्य प्रदेश में ऐसे गरीबों को भी राशन उपलब्ध कराएगी सरकार जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। इस योजना के आने के बाद सूबे के बेहद गरीब फुटपाथ पर जीवन व्यतीत करने वाले लोग या बेसहारा जिंदगी जीने वाले गरीब लोगों को भूखे पेट रहने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना में उन गरीब परिवारों को भी शामिल किया जा रहा है जिनके पास ना ही राशन कार्ड है और ना ही अंत्योदय जैसा कोई दूसरा कार्ड है। बहुत अच्छी बात है, योजना के तहत पात्रता रखने वाले परिवारों को 1 अप्रैल से 16 किलो गेहूं, 4 किलो चावल निःशुल्क राशन की दुकानों में उपलब्ध होगा। यहां पर सुबह सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे के बीच राशन लिया जा सकेगा। सरकार ने सभी तहसीलदार,
नायब तहसीलदार और पटवारी को गरीब परिवारों को चिन्हित करने की जिम्मेदारी दी है। ये अधिकारी ऐसे परिवारों को चिन्हित करेंगे जिनके पास न तो राशन कार्ड है और न ही पात्रता पर्ची है और न ही अत्योदय कार्ड है। ऐसे गरीब और बेसहारा लोग जो फुटपाथ पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं उनको 1 अप्रैल से 16 किलो गेहूं और 4 किलो चावल निःशुल्क दिया जाएगा और यह योजना पूरे प्रदेश के लिए होगी और प्रदेश के सभी बिना राशन कार्ड धारियों को इसका लाभ मिलेगा। तो चलिए देखते हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रदेश में इसकी समीक्षा की है और उन्होंने जरूरतमंदों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया है, राशन भी दिया है। चलिए देखते हैं उनका लाइव वीडियो। तो इस प्रकार से जानकारी थी। यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। मिलते हैं सर अगले इसी प्रकार आपके काम की खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।